हाय गाइस, आप सब कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज का वीडियो में बताएंगे डस्ट सिल्क के बारे में। डस्ट सिल्क किस तरह से चेकिंग करते हैं फ्लावर गेज से, वो आज इस वीडियो में बताएंगे। अमित शर्मा भाई ने बताया डस्ट सिल्क को किस तरह से चेकिंग करते हैं फ्लावर गेज से और कैसे समझेंगे डस्ट सिल्क सही है या डैमेज है। तो आइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में बताएंगे डस्ट सिल्क डैमेज कैसे समझेंगे और चेकिंग किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, ये है डस्ट सिल्क। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि क्रेशर संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मैकनेस का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड होता ही रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक फ्लावर गेज ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फ्लावर गेज है नहीं। तो फ्लावर गेज लेना है और फ्लावर गेज का जो पत्ता आता है 1 mm 2 mm जैसे पत्ता आता है एक एक, तो 1-2 mm से हम शुरू करेंगे। पहले 1 mm घुसाया, फिर 2 mm 3 mm 4 6 7 8 9 10 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। जैसे ही 1.5 घुस जाएगा, अगर उससे ज़्यादा भी घुस रहा है तो उसी टाइम समझ लेना है कि अपना डस्ट सिल्क को चेंज करने लायक हो चुका है, वो डस्ट सिल्क को चेंज करना होगा। फिलर गेज का जो पत्ता है इसी पोजीशन में घुसा के देखेंगे, एक एक करके घुसाएंगे इसी पोजीशन में। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।